आदरणीय अतिथि महोदय, सम्मानित प्रधान आचार्य एवं शिक्षकगण और कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहपाठी भाइयों और बहनों, आज स्वतंत्रता दिवस है। इस वर्ष हमारा देश आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो कि हम सभी के लिए हर्ष का विषय है, खुशी का विषय है। हमारी स्वतंत्रता के इस महान यज्ञ में अनेक महापुरुषों का योगदान रहा है, जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन की प्रेरित किया है और आज़ादी पाने के लिए कठिन संघर्ष किया है। ऐसे में अपने भाषण की शुरुआत में चंद पंक्तियों के माध्यम से मैं सर्वप्रथम आज़ादी के महानायकों को याद करना चाहूँगा। आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब है वो लोग, किस कदर खुशनसीब है वे लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। वास्तव में हमारी स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षण उन महापुरुषों के लिए कठिन संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल देश की आज़ादी के लिए न्योछावर कर दिया है। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ सबसे पहले हमारे देश में वर्ष 1857 में स्वतंत्रता का पहला संग्राम शुरू किया गया था, जिसमें कि हजारों नागरिकों ने अपना बलिदान दिया था। इसके पश्चात आज़ादी के आंदोलन ने जोर पकड़ा और इसी का परिणाम रहा कि हमारे देश को वर्ष 15 अगस्त 1947 को गुलामी की बेड़ियों से आज़ादी मिली थी। आज़ादी की इस लड़ाई में महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, लाला राजपत राय, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, मंगल पांडे और खुदीराम बोस जैसे महापुरुषों ने अपना महती योगदान दिया था और पूरे देश की जनता को आज़ादी के आंदोलन हेतु प्रेरित किया था। आज़ादी के इस संघर्ष की कठिन राह में इन महापुरुषों ने कई बार जेल यात्रा भी की और अंग्रेज सरकार के अत्याचारों को भी सहा। महात्मा गांधी ने अपने अहिंसा के सिद्धांत से पूरे देश को एकता के सूत्र में पिरोया तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अल्प आयु में ही देश की स्वतंत्रता के खातिर फांसी के फंदे पर झूलते हुए शहीद हो गए। इस प्रकार इस आंदोलन ने सभी वर्ग के नेताओं ने अपना अपना योगदान दिया था। स्वतंत्रता के इन महा विभूतियों के संघर्ष के लिए मैं दो लाइनें कहना चाहूँगा। नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, नमन है उन वीरों को जिन्होंने इस देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया और भारत माँ को आज़ाद है कराया। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों के 200 वर्षों की गुलामी से आज़ादी मिली और लाल किले पर प्रथम बार तिरंगा झंडा लहराया गया। इसी अवसर पर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाल किले की प्राचीर से नियति से साक्षात्कार नामक प्रसिद्ध भाषण दिया गया था, जिसके बाद प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश के प्रधानमंत्री द्वारा लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा लहराया जाता है और देश के नाम स्वतंत्रता दिवस पर संबोधन किया जाता है। इसके पश्चात शौर्य पराक्रम और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे स्वतंत्रता दिवस की गाथा को याद किया जाता है। वास्तव में स्वतंत्रता दिवस हमारे देश के महापुरुषों के त्याग, बलिदान और संघर्ष का प्रतीक है। इस अवसर पर सभी देशवासियों के मन में
देश के प्रति समर्पण और प्रेम की भावना रहती है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हमें अपने महापुरुषों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए उनके जीवन मूल्यों को जीवन में उतारना चाहिए। यही हमारे देश के स्वतंत्रता नायकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, आज़ादी की कभी शाम नहीं होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम नहीं होने देंगे, बची हो जो एक बूंद भी गर्म लहू की, तब तक भारत माता का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। जय हिंद, जय भारत।